आइए एक मैं और मैडम मधु जी आमने सामने की बात आपके बीच में रखते हैं। मधुर जी आइए प्रेमी सजनो एक रागनी आपके बीच में राजा मदन सेन और चंद्रकिरण के प्रसंग की बात। उस समय से जब वो राजा मदन सेन उस चंद्रकिरण के प्रेम में पाकर भाई सुन को दे सुन लो जब वो राजा मदन सेन उस चंद्रकिरण के प्रेम में पागल हो जाता है और रानी चंद्रकिरण के महल के सामने धुना लगा लेता है सजनो पीछे से वो बांदी आती है। किस तरीके से आपस में सवाल जवाब होते हैं आइए इस तरीके से। हेलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बाबा कौन ओ बाबा कौन दिखता नहीं लड़कियों लड़की कन्या हाँ? आप ये बताओ कौन हो कहाँ से आई हो क्या आपका नाम है कौन सा आपका गांव है। मैं चंद्रकिरण की दासी हूँ दासी। चंद्रकिरण की दासी दासी फिर यहाँ के डोके लेना रही है तू बतावना है। दासी हूँ दासी। दासी तो है पर यहाँ क्यों आई है मेरी तपस्या में भंग करने का तेरा मतलब क्या है। यहाँ क्यों आई हूँ हाँ नू बता हाँ। मैंने ये धूना कितने लगा रखा है। धूना मैंने मेरे पर्पज से लगा रखा है जब तक वो मेरा काम सिद्ध नहीं होगा मैं इस धूने से उठूंगा नहीं। बांधी बात सुन बाबा धूना यहाँ नहीं लगाया करें। क्यों कहाँ लगाऊं धूना लगाया करें बियाबान जंगल में और देख कितना बड़ा महल ने इसके सामने धूना लगा लिया। बावली मेरी मंजिल मेरे सामने है और इस मंजिल को देख के मैंने इसके सामने धूना लगाया है। अच्छा और ये धूना जब तक नहीं उठेगा जब तक मैं चंद्रकिरण का दीदार नहीं कर लेता। अच्छा चंद्रकिरण ने देख के जावेगा। बिल्कुल सुनो मेरी बात कह दे बाबा मेरी बात सुनो कह दे हे रत हेलो यो
शकल नहीं। यूही मुफ्त में मरना चाहे, मेरा तारी का तोरा तोरा भाइयो रे इब मैं तर बदल डारी का डाटो रे डाटो भाइयो रे अब गाना बदलो प्यारी का।